हाँ दोस्तों, हर गंगे आज मैं फिर से आप लोगों को हरिद्वार का दर्शन कराने वाला हूँ। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, मैं रुड़की रेलवे स्टेशन में हूँ। काफी सारे श्रद्धालु कहना था क्या हम हरिद्वार अभी आ सकते हैं, कोविड टेस्ट क्या अभी भी कंपलसरी है, RT-PCR की जरूरत है, रेस्टोरेंट की जरूरत है। और काफ़ी सारे श्रद्धालु का कहना ये था कि हम वहाँ पे हरिद्वार में भी शाही स्नान का जो टाइम है 27 तारीख वाला, उसमें स्नान कर सकते हैं क्या, और वहाँ पे अगर कोविड का ज़्यादा प्रकोप है क्या है ये सब बताइए, और साथ में अगर वीकेंड वाली अगर लॉकडाउन लग रहा है तो शनिवार या संडे कब लग रहा है, और अगर रात्रिकालीन का जो कर्फ्यू है वो कब से कब लग रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाला हूं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे क्या है महाकुंभ या हरिद्वार संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वीकेंड का जो लॉकडाउन है ये आपको संडे को मिलेगा उत्तराखंड में, और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु इस संडे, आज तो मंडे है 19 अप्रैल का, मैं अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ, 18 अप्रैल में जो श्रद्धालु काफ़ी आए हैं, चेकिंग भी हुई है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अभी दिखाने वाला हूँ। और काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना ये था कि क्या हम अगर लॉकडाउन में आते हैं तो क्या परेशानी होगी। अगर आप लॉकडाउन में भी आते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी, आपके पास ट्रेन का टिकट होनी चाहिए, अगर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी आएँ तो कोविड टेस्ट लेके आएँ, साथ में टिकट के साथ कोविड टेस्ट भी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दूँ रुड़की नर्सन बॉर्डर है, वहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हरिद्वार आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हुई। ये मैं बाय रोड की घटना बता रहा हूँ, ट्रेन की घटना तो आपको ट्रेन रेलवे स्टेशन पे ही मैं देखने को मिलता है, जो बॉर्डर में काफ़ी चेकिंग हो रही है, जो कोविड टेस्ट कराने से मना कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनको वापस भेज दिया जा रहा है, जिनके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनको कराना अनिवार्य है। ये जो नाइट कर्फ्यू है रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का लगाया जाता है, अगर कोई भी श्रद्धालु माँ गंगा स्नान माँ गंगा दर्शन करने आ रहे हैं तो रात्रि 9 बजे से पहले ही अपने रूम में चले जाए और सुबह 5 बजे से पहले निकले ना। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना ये भी था कि क्या हम अगर कोविड टेस्ट में पॉजिटिव वहाँ पे मिले तो हमारी क्या होगी, तो हम आपको बता दें कि वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वापस घर के लिए भेज दिया जाएगा वहीं से। इसी कारण मैं हम लोग हमेशा बोलता हूँ मैं कि आप लोग जब भी आए कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके आए, जिससे क्या है यहाँ पे कुछ परेशानी का सामना ना करना पड़े। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि शाही स्नान जो है 27 तारीख को वो होगा कि नहीं होगा, हम उसमें सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और होने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं होना है 27 तारीख का जो शाही स्नान है, अभी तक का जो अपडेट है वो उसमें होना है ऐसा है, और आगे के जो अपडेट कुछ चेंजेस होती तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और उसके लिए हमको डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लाना होगा, बस आपके पास RT-PCR की नेगेटिव कॉपी होनी चाहिए कोविड टेस्ट। अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर वीडियो पे ही मिल जाएगा, क्योंकि पहले मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया करता था तो काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का मेरा नंबर नहीं मिल पाता था, तो अब मैं अपना नंबर वीडियो पे ही दे दिया करता हूँ। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होगा जो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।